नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वेलसी नेचुरल साइंसेज इंस्टा ग्लो। ये डायमंड ब्लीच है। ये ब्लीच को आप अपने चेहरे पर अप्लाई करके अगर आपका चेहरा सांवलापन है या कालापन है तो उसको आप काफ़ी अच्छा गोरापन बना सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसी का रिव्यू करने जा रहा हूँ और इसके बारे में आप पूरा बताऊँगा और देखते रहिए इसको लास्ट तक। ये ब्लीच VLCC के है। VLCC के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अब इसके साथ देखते हैं, इसके साथ है प्री ब्लीच क्रीम एंड पोस्ट ब्लीच पैक है। ये स्पार्किंग फेयरनेस ब्लीच है दोस्तों। इसको इस ब्लीच को आप घर पे अप्लाई करके आप बाहर ब्यूटी पार्लर में जाके या फिर सो सैलून में जाकर ज़्यादा पैसे खर्च करने, तो दोस्तों इसको आप अपने घर पे ही अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को पूरा बताता रहूँगा और आप लास्ट तक देखते रहिए। बात इसकी प्राइस की करें तो इसकी प्राइस है 75 रुपये और ये 30 ग्राम की क्रीम है जिसमें प्री ब्लीच 3 ग्राम है, ब्लीच क्रीम 20 ग्राम है और पाउडर एक्टिवेटर 2 ग्राम है, पोस्ट ब्लीच 2 ग्राम है। दोस्तों इस ब्लीच को लगा करके जो काले लोग हैं उन पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, सांवलेपन को भी काफ़ी अच्छा देता है, गोरे को भी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक ही देखते रहिए। अब आपको इसको घर पे लगाना कैसे है तो अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं और इसके अंदर सारी चीज़ दिखाते हैं और इसको लगाने का तरीका और इससे कुछ सावधानियाँ भी बरतनी है। तो दोस्तों इस बॉक्स के अंदर ये है प्री ब्लीच क्रीम है और ये पोस्ट ब्लीच पैक है और ये क्रीम है और ये एक्टिवेटर पाउडर है, ये पैम्पलेट है और ये स्पैचुला है। तो दोस्तों ये आप इसको लगाना कैसे है मैं बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले इस प्री ब्लीच को अपने चेहरे पर लगाना, लेकिन इससे पहले आपको अपने चेहरे पर साबुन से या ठंडे पानी से आपको धुल लेना है। धुलने के बाद इस प्री ब्लीच को लगाना है, कम से कम 2-3 मिनट तक लगाए ताकि अपने चेहरे पर बढ़िया से अवशोषित हो जाए। फिर उसके बाद में आपको ये क्रीम लेना है और क्रीम में एक्टिवेटर मिक्स करना है, जो कि ये कोई धातु का बर्तन ना हो, फाइबर का बर्तन हो। उसमें अगर जो आपको ये 20 ग्राम का क्रीम है अगर जिसमें आप आधा लेना है तो आधा एक्टिवेटर भी लेना है, आधा पाउडर, यानी ये 20 ग्राम का है वो 2 ग्राम का है। तो अगर जो 10 ग्राम इसको लेना है तो 1 ग्राम उसको लेना है एक्टिवेटर। दोनों को अच्छी तरीके से मिश्रण करना और इसको चेहरे पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के 15 मिनट बाद इसको धुल लेना है या तो फिर टिश्यू पेपर से पोंछना है, फिर उसके बाद ठंडे पानी से धुल लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है पोस्ट ब्लीच। ये कम से कम अपने चेहरे पे लगा के 5 मिनट तक इसको लगाते रहना है या अवशोषित हो जाएगा, फिर छोड़ दीजिएगा 5 मिनट तक। फिर उसके बाद आप अपने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई करिएगा। दोस्तों अपने चेहरे पे अप्लाई करने से पहले आप अपनी भुजाओं के नीचे एक बार इसको लगा के कम से कम 10-15 मिनट तक लगा के इसको छोड़ देना, फिर देखना का जो कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, जैसे जलन या किसी प्रकार की खुजली तो आप इसको अप्लाई करिए। किसी किसी को ये नुकसान कर जाता है, तो आपको ये ब्लीच लगाने के बाद भी चेहरे पे थोड़ी सी जलन सी होगी, अगर ज़्यादा जलनपन होगा तो आप उसको तुरंत हटा दीजिएगा, तुरंत धुल लीजिएगा। याद रहे आपको ये गर्म पानी से चेहरे पर नहाने के बाद इसको अप्लाई नहीं करना है, या कटी जली फेस अगर आपकी है तो उस पर भी आपको अप्लाई नहीं करना है। इसको लगाने के बाद आप तुरंत धूप में ना निकले और बेहतर परिणाम के लिए आपको शाम में ही लगाएं। दोस्तों याद रहे ये ब्लीच को आप आँखों के नीचे ना अप्लाई करें और आईब्रो पे तो बिल्कुल ना लगाएं, नहीं तो आपके आईब्रो ब्राउन हो जाएंगे। और इसको तब मिश्रण करें जब आप पूरी तरीके से लगाने के लिए तैयार हों। इसको ज़्यादातर मिक्स करके रखना नहीं है। अपने फेस पे इस स्पैचुला से आप लगाएं क्रीम ब्लीच को। तो नमस्कार दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नमस्कार दोस्तों।